कृषि बिल विपक्ष में जारी रही विरोधी तीव्र विरोध। मुख्य विरोधी दल कांग्रेस समेत एकाधिक समभावपन्न राजनीतिक दल सांसद माने आज पुणि थरे केन्द्र सरकार कृषक मारण नीति प्रतिवाद रे धारणा देछंती। विरोधी सांसद माने आज सकाळे वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद बासभवन में एकाठी होइथिले। परे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमूर्ति स्थल निकट में प्लाकार्ड धरी प्रतिवाद करिबा सह संसद रे आंबेडकर प्रतिमूर्ति अभिमुखे यात्रा करथिले। सूचना अनुसार विरोधी दलगुड़िकर पांच जनिया प्रतिनिधि आज अपराह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेटी बिल विरोधी आभिमुख्य संपर्क में जनइबे। एथस कृषि बिल को स्वीकृति न देवा को सेने राष्ट्रपति निकट में दावी रखे। कृषि बिल उभय लोकसभा और राज्यसभा पास हो सारी। तो हमने जो बायकॉट किया है, हमने कहा कि जो MSP है वो जो प्राइवेट परचेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो खरीदेंगे किसान से, उन पर MSP लागू होना चाहिए। MSP से नीचे वो खरीद नहीं सकते किसान से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टेट एजेंसियां भी हैं जो अनाज खरीदती हैं किसानों से। ये दोनों एजेंसी के लिए भी फूड का MSP लागू होना अनिवार्य है। न स्टेट गवर्नमेंट न FCI MSP के रेट से नीचे खरीद सकती है, और जब तक सरकार सदन में स्टेटमेंट ना दे या नया कानून नहीं बनाए, तो हमने कहा इस सेशन में हम बायकॉट करते हैं। यही मुद्दा है कि ये जो परसों जो बिल पास हुआ था उसमें पूरी कार्रवाई नहीं की थी। जो कानून बनता है उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन पे सबकी अनुमति नहीं ली गई थी, रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं हुए थे, और जो अमेंडमेंट्स दिए थे MPs पे उस पर डिवीजन नहीं था, उस पर वोटिंग नहीं हुई थी। इसलिए राष्ट्रपति जी से ये 15-16-17 पार्टीज रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए, इसे आप वापस सरकार को भेजिए। किसानों खेतीहर समाज के खात्मे का बिल पर किस तरह से बहस करवाई गई और डिवीजन इनकार कर दिया गया। संसदीय लोकतंत्र, मैं कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि संसद भवन महाजे की बार इमारत नहीं है, वहां इबारत लिखी हमारे पुरखों ने। अब आज आप बिना विपक्ष के श्रमिक वर्गों के लिए बिल लेके आ रहे हैं जो श्रमिकों के हाथ काट देगा, और आपको कोई चिंता भी नहीं कि विपक्ष नहीं है।